सो गाइस कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सभी के एक और ब्रांड MIUI बेस्ट अमेजिंग नंबर वन थीम के वीडियो के एपिसोड पर। रिसेंटली आप सब स्वामी या रेडमी डिवाइस यूजर के लिए लेके आया हूँ ऐसे परफेक्ट नंबर वन बेस्ट अमेजिंग थीम, जिसे आप एक बार स्वामी डिवाइस पर अप्लाई करने के बाद आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव जस्ट ऑसम। और इस थीम में MIUI के काफ़ी सारे फीचर एंड कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, सो आप इस थीम को एक बार ज़रूर से ट्राई करना। फिर चलिए देखते हैं कैसा है इनका परफॉर्मेंस एंड कस्टमाइजेशन इस वीडियो पर। सो विदाउट एनी मोस्टिंग टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे एंड यहाँ पे मैं जितने भी थीम को अप्लाई करूँगा सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नाम मिल जाएगा एंड ये थीम आपको सारे आसानी से थीम स्टोर में भी अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। मैं 4 थीम को इस वीडियो में फ्यूचर किया हूँ जो कि मेरे को बहुत ही बढ़िया ये 4 थीम पसंद आया। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ थीम स्टोर में एंड यहाँ पर हमारे फर्स्ट नंबर थीम को अप्लाई कर देता हूँ एंड दिखाता हूँ कि ये देखने में कैसा इसका लुक देखने में लगता है। सो ये जो थीम है दोस्तों हो चुका है अप्लाई एंड इसके हम होम स्क्रीन पे आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है एंड अगर आप नए बार को देखेंगे बटन को तो आपको यहाँ पे टोटली चेंज देखने को मिल जाएगा। आइकन पैक्स भी यहाँ पे आपको चेंजेस, अगर नोटिफिकेशन पैनल को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस किया गया है एंड सेटिंग में जाते हैं दोस्तों तो आपको सेटिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिक देखने में लगता है। अगर इसकी मैं लॉक स्क्रीन की बात करूं तो आपको लॉक स्क्रीन भी कुछ इस तरीके को देखने को मिल जाता है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं किया गया है। सो अब मैं लेके चलता हूं दूसरे सेकेंड थीम की तरफ जो कि ये भी आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। सो मैं इस थीम को अप्लाई कर देता हूँ एंड ये सारे थीम आपको थीम स्टोर में आसानी से अवेलेबल देखने को मिल जाएगा एंड अगर इस थीम को आप देखेंगे तो नए बार तो आपको यहाँ पर टोटली चेंज देखने को मिलता है सैमसंग की तरह एंड आपको वॉलपेपर कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है जो कि इसका आइकन पैक्स काफ़ी ज़्यादा कूल एंड स्मॉल में बनाया गया है। अगर इसकी नोटिफिकेशन पैनल को बात करें दोस्तों तो आपको नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरीके को मिल जाता है देखने को जो कि काफ़ी ज़्यादा ये नोटिफिकेशन पैनल मेरे को पसंद आया है। अगर सेटिंग में जाते हैं दोस्तों तो आपको सेटिंग भी कुछ इस तरीके को देखने को मिल जाता है, यूनिक एंड बेस्ट सेटिंग देखने में लगता है। लॉक स्क्रीन कुछ ज्यादा इसमें डिफॉल्ट की तरह ही देखने को मिल जाता है। अब मैं लेके चलता हूँ थीम स्टोर में एंड यहाँ पे मैं 3rd थीम को अप्लाई करूंगा जो आप अगर सैमसंग थीम को पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट एंड परफेक्ट थीम है क्योंकि इस थीम में आपको पूरी सैमसंग की तरह ही लुक देखने को मिल जाता है। सो ये जो थीम है दोस्तों हो चुका है अप्लाई एंड अगर इसकी नेविगेशन बटन को देखेंगे तो आपको सैमसंग की तरह देखने को मिल जाता है जो कि वॉलपेपर कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड अगर यहाँ पे आप आइकन पैक्स को देखेंगे तो आपको आइकन पैक्स भी सैमसंग की तरह ही देखने को मिल जाता है। अगर इसकी होम स्क्रीन पे आके यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने वॉलपेपर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर दिया गया है एंड मैं इसकी स्टेटस बार की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे स्टेटस बार भी आपको सैमसंग की तरह ही देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप ब्राइटनेस में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे रेड लगा हुआ है कि मतलब इससे हाई ब्राइटनेस देखने में लगता है। सो अगर अब मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ दोस्तों तो आपको सेटिंग भी कुछ इस तरीके को देखने को मिल जाएगा जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये सेटिंग एंड स्टेटस बार भी इसकी बहुत ही बढ़िया है। सो आप सैमसंग थीम पसंद कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। लॉक स्क्रीन में आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलता है। सो अब मैं लेके चलता हूँ लास्ट एंड 4th थीम की तरफ जो कि ये थीम अगर आप गेमर हैं तो आपके लिए ये थीम बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये थीम गेम के लिए ही बनाया गया है। सो मैं इस थीम को अप्लाई कर देता हूँ एंड ये जो थीम है दोस्तों कुछ ही सेकेंड में हो चुका है अप्लाई। मैं जाता हूँ यहाँ पे होम स्क्रीन में एंड देखता हूँ कि इसका कैसा है परफॉर्मेंस, तो काफ़ी बढ़िया जो है इसका परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा आपको जो कि आपको नेविगेशन बटन आप देखेंगे तो यहाँ पे एक यूनिक में चेंजेस देखने को मिल जाएगा एंड इसका वॉलपेपर भी कुछ इस तरीके को
देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया देखने में लग जाती है। एंड अगर इसकी आइकन पैक्स की बात की जाए दोस्तों, तो आइकन पैक्स उतनी भी अच्छी नहीं है, तो आप कस्टमाइज करके आइकन पैक्स को चेंज कर सकते हैं। सो अगर इसकी नोटिफिकेशन पैनल की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने में लगता है। तो आप इस थीम को अप्लाई करके एक बढ़िया सा लुक दे सकते हो अपने फोन में। अगर इसकी मैं सेटिंग में जाता हूँ दोस्तों, तो आपको सेटिंग में कुछ इस तरीके को देखने को मिल जाता है। एंड लॉक स्क्रीन में उतना चेंजेस नहीं किया गया। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सबसे अच्छी थीम कौन सी लगी। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।